एक भारत को एक नया रूप देना। नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम दुबई और आबूधाबी के बीच में मंदिर का लिया है, और सुना है कि वो ऐसा विशाल मंदिर बनने वाला है, बड़े सुखद मतलब चीजें दिख रही हैं। अब पीने योग्य जल है, इतना फायदा है कि नियत साफ। देखिए नेतृत्व जो नितिन गडकरी का है वो भी उन्हीं से मिलता जुलता है, क्या नाम, मोदी जी से, कि एक ही व्यक्ति जो है देश को बदल सकता है। के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक उनकी देखिए कार्य में सबसे बड़ी जो है पुण्य और पाप का जो डिफरेंस है उसमें फर्क सिर्फ एक ही है, डॉक्टर भी छुरी चलाता है और अपना डाकू भी छुरी चलाता है, पर उसमें उद्देश्य जो छिपा रहता है वो नियत है। हमारे उर्दू में भी ये कहा जाता है कि नियत, अच्छी नियत से काम करना है, तो वो एक नियत बहुत अच्छी है उनकी, एक भारत को एक नया रूप देना। हम तो तरस गए थे कि भारत की, आज मेरे को याद है कि जब हम IIT में पढ़ते थे प्रदूषण के ऊपर बहुत चर्चा चलती थी, उस समय राजीव गांधी ने भी एक प्रोजेक्ट लिया था फ्रांस से कि गंगा को प्यूरिफिकेशन करेंगे, पर हमें तो सिर्फ आशाएं दिखती रही, जब प्रोजेक्टों में ही रह गया वो ना आ पाया। तो ये जो सपना था ये साकार होने का लग रहा है, पर प्रगति बहुत धीरे हो रही है, ये थोड़ा सा हमें उनसे शिकायत भी है। अच्छा, शिकायत भी है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जो मोदी शासन में जो सड़कों का काम है वो तो कहीं ना कहीं प्रगति पे आया है। जो पहले 3-4 किलोमीटर पर डे का एवरेज निकलता था, आज 30 किलोमीटर का एवरेज निकलता है। मैंने पढ़ा है इनका जो चार्ट बना था, रिपोर्ट चार्ट, नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक भविष्य में एक उनके फॉलोवर भी कह सकते हैं या नए नेता उभर के आ रहे हैं, ये बहुत खुशी हो रही है हमें इसके लिए। और सबसे बड़ा एक हमें एक और बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मतलब दुबई के अंदर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, तो हम लोग माइनॉरिटी में तो नहीं हैं, हैं तो मेजॉरिटी में, पर हम लोगों में मंदिर वगैरह के लिए मूर्ति पूजा का विधान ना होने की वजह से उनके में हमें बड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा। अब उन्होंने ये प्रोजेक्ट दुबई और आबूधाबी के बीच में मंदिर का लिया है, और सुना है कि वो ऐसा विशाल मंदिर बनने वाला है जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, विश्व में भी कहते हैं, एक न्यूयॉर्क, एक लंदन और इसके बाद ये दुबई का नंबर आने वाला, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का है। और हम सबसे बड़ी खुशी जो महसूस कर रहे हैं कि हम एक मतलब फ्री वर्ल्ड के अंदर अब रह रहे हैं, और इसके लिए उनका वो श्रेय देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं वहाँ आपसे छोटी सी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कहते हैं लोग वहाँ पे जैसे पूजा पाठ हम बाहर नहीं कर सकते, क्या ऐसा है कि घर में पूजा पाठ का जो करते हैं दुबई के अंदर, तो ऐसा कुछ बाउंडेशन तो कुछ नहीं है वहाँ पर? नहीं सर, अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, दुबई एक पहली या दूसरी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाई है, और उसमें अब इस साल जो है उन्होंने कहा है कि टॉलरेंस, ओहो टॉलरेंस वर्ड ही एक जो बहुत बड़ी एक है जो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा भारत में। भारत में सऊदी अरब में टॉलरेंस होती है, इंडिया में इंटॉलरेंस होती है। यस, ये सही पकड़े आपने बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो जिनको इंटॉलरेंस दिखाई देती है? नहीं, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि यहाँ टॉलरेंस नहीं है, वहाँ टॉलरेंस बहुत है। ये जो पहले था किसी वक्त एक्सट्रीम लोग थे जो फंडामेंटलिस्ट, अब नहीं, अब खुले, अब वो लोग भी बड़े मतलब ये समझते हैं। योगा का देखिए उनका बहुत बड़ा सेंटर बन गया अभी दुबई में, रामदेव आए हैं यहाँ पर, और कई ऐसी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे सदगुरु हैं साउथ से, वो भी यहाँ आके उन्होंने बहुत बड़ा मतलब एक संस्था बनाया है, श्री श्री रविशंकर जो हैं उनके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, तो बहुत ही जो अच्छी जो बड़े सुखद मतलब चीज़ें दिख रही हैं, तो हमें लग रहा है कि इस दुनिया से गुड बाय करने से पहले वो भी एक वर्ल्ड नया देख पाएंगे। अच्छा।
तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, आपने रविशंकर और नमामि गंगे की बात छेड़ी है, तो आप हर की पौड़ी पर खड़े हैं, तो आपको जो मोदी जी का एक निर्मल धारा और स्वच्छता को लेकर जो एक मिशन है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो कारगर है? वो है, हो तो रहा है, पर प्रगति बहुत धीमी है। धीमी है, ये देखिए 4 या 5 वर्ष होने वाले हैं, जो एक सपना देखा था वो तो नहीं हो पाया। अच्छा, पहले पीने योग्य जल नहीं था, अब पीने योग्य जल है, इतना फायदा है। पहले ऋषिकेश में ज़्यादा गंदा अच्छा था, अब हरिद्वार के अंदर ऐसा जल हो रहा है जैसे पीने योग्य है। पीने योग्य है, बिल्कुल है। नहीं, ये बात तो आपने सही कही कि हो रहा है, पर रफ्तार थोड़ा ज्यादा, रफ्तार थोड़ी स्लो है, बस इतनी सी शिकायत है। नदी बड़ी स्वच्छ हुई है, पंजाब में एक नदी बड़ी स्वच्छ हुई है, सिखों ने करी है, उसमें 50-60 साल लग गए। गंगा जी को शुद्ध होने में, निर्मल होने में वक्त लग सकता है, ये निश्चित बात है, पर साफ होगी, मगर साफ होगी ये निश्चित है, बिल्कुल ये निश्चित। इसलिए हो जाएगी कि नियत साफ है। और सबसे बड़ी जो टॉप की चीज होती है नियत, अगर नियत अच्छे से किया जाएगा, कोई भी कार्य जो वही है एक शुद्ध हो जाता है और अशुद्ध भी हो जाता है। शुद्धिकरण का कार्यक्रम देख के बड़ा अच्छा, इस बार स्नान किया। मैं मथुरा से हूँ, मथुरा में यमुना के, मेरे को बचपन की वो सारी यादें हैं, जब हम लोग कितना उनका सत्कार यमुना नदी का करते थे। नाला वगैरह तो कोई जाने की बात ही नहीं है, अब तो सुना है कि बिना ट्रीटमेंट किए सारे पानी जो उसमें डाला जा रहा है, उसके अलावा BOD COD बढ़ती जा रही है। नितिन गडकरी वहाँ पर गए थे मथुरा में, तो वहाँ पर 7 प्लांट वाटर ट्रीटमेंट के वहाँ पर चालू हो गए, अब जो नाले का पानी वो यमुना में नहीं गिरेगा। आपकी जो नहीं, ये तो बहुत खुशी का वक्त है। नहीं, देखिए नेतृत्व जो नितिन गडकरी का है वो भी उन्हीं से मिलता जुलता है, क्या नाम, मोदी जी से, क्योंकि उनकी भी नियत में एक राष्ट्र को, एक नया राष्ट्र का निर्माण करना है, जो वो जो सपना है वो साकार होते हुए दिख रहा है। गडकरी जी कहते हैं मुझे नेतागिरी नहीं करनी है, मुझे काम करना है। बिल्कुल सही, और ऐसे ही मोदी जी का एक सपना था, तो वही दोनों में लगे हुए हैं। देखिए ये दोनों मिलके ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन इतिहास रचेंगे। और दोनों एक, दरअसल सबसे बड़ी बात क्या है कि कहते हैं कि एक ही व्यक्ति जो है देश को बदल सकता है, और कई अनेक नहीं चाहिए। अब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक नया सपनों का जो हमने भारतवर्ष बनाया हुआ था वो जागृत होने, न्यू इंडिया। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ है, रहने वाले मथुरा से हैं, करीब 30 साल से आप सऊदी, 35 साल से दुबई में हैं, और इनकी जो दिली तमन्ना है दोबारा से मोदी जी आए, और जो मोदी जी के काम की जो चर्चा है वो भारत में ना रह करके वो बाहर तक भी बहुत प्रशंसाएं बटोर रही हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये एक थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती थी, और वो अब खुल गया है, ऐसा है जैसे खुले आकाश में हम लोग अब उड़ने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो इंडिया का है या नहीं है? अब सुना है बन जाएगा, हम वोट दे सकते हैं। मैं इस समय करीब करीब 69 ईयर ओल्ड हूँ, ये बहुत अच्छा ये प्राइड होगा कि मैं चुनाव में। तो अब की बार जो भाभी बनेंगे तो वोट किसको जाएगा? अब वोट तो अब देखिए, हमने तो मन बना लिया है। मोदी के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि एक, उनकी देखिए कार्य में सबसे बड़ी जो है पुण्य और पाप का जो डिफरेंस है, उसमें फ़र्क सिर्फ एक ही है, डॉक्टर भी छुरी चलाता है और अपना डाकू भी छुरी चलाता है,
पर उसमें उद्देश्य जो छिपा रहता है वो नियत है। हमारे उर्दू में भी ये कहा जाता है कि नियत, अच्छी नियत से काम करना है, तो वो एक नियत बहुत अच्छी है उनकी, एक भारत को एक नया रूप देना। हम तो तरस गए थे कि भारत की, आज मेरे को याद है कि जब हम IIT में पढ़ते थे प्रदूषण के ऊपर बहुत चर्चा चलती थी, उस समय राजीव गांधी ने भी एक प्रोजेक्ट लिया था फ्रांस से कि गंगा को प्यूरिफिकेशन करेंगे, पर हमें तो सिर्फ आशाएं दिखती रही, जब प्रोजेक्टों में ही रह गया वो ना आ पाया। ये जो सपना था ये साकार होने का लग रहा है।